अरे भाई साहब, ये देख भाई, ये देख। इसीलिए कहा जाता है अपने फेफड़ों को, सॉरी, अपने गाड़ी के फेफड़ों को हमेशा साफ कीजिए। एक्शन। दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ यार आप सभी बढ़िया होंगे। वीडियो जो शूट कर रहे हैं वो है शुक्ला जी। तो शुक्ला जी हाय कीजिए सभी को। हेलो। तो आज है हमारे सामने दोस्तों एक्टिवा 12 मॉडल। आज के वीडियो में ना मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि सर्विस कैसे होता है, वो सब सारा कुछ मैं बता चुका हूँ, ऊपर आई बटन में वीडियो है। लेकिन ये बताने वाला हूँ कि अगर आप सही टाइम में एक स्कूटर या फिर बाइक का मेंटेनेंस नहीं करते तो क्या क्या इश्यूज आती है। देखो यार, लास्ट इश्यूज क्या आता है कि स्मोक का प्रॉब्लम, जिसमें आपको ब्लॉक किट या तो ओवर हॉलिंग करवाना होगा, नहीं तो पिस्टन वगैरह बदलना होगा। लेकिन अगर आप बहुत लंबे समय से मेंटेनेंस नहीं करते हैं गाड़ी को या फिर इग्नोर करते हैं, तो क्या क्या प्रॉब्लम आती है जो कि आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन अंदर से बहुत कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है। तो आज हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आप लोगों को बताने वाले। तो दोस्तों नमस्कार, मैं उत्कर्ष त्रिवेदी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का एक और नए फ्रेश कमाल वीडियो में। तो सबसे पहले तो दिखाते हैं इसमें इश्यूज़ क्या क्या आ रहा है और क्या क्या चेंजेस से हम इश्यूज़ को पूरा रिसॉल्व कैसे कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से और सस्ते में। यार तो आओ बचा लो अपने गाड़ी को, हम लोग भी जा रहे हैं बचाने, करीबन 8 साल पुराना है। तो शुरू किया जाए शुक्ला जी? हाँ चलिए, तो आइए दिखाते हैं। दोस्तों आप सभी देख सकते हैं कि हम लोगों ने टाइम बचाने के लिए जल्दी से ये सब खोल लिया है। और ये सब कैसे खोलना है, कैसे सर्विस करना है स्कूटर का, खासकर एक्टिवा का या फिर किसी भी गियरलेस स्कूटर का, तो उसका वीडियो इधर कहीं ऊपर आपको आई बटन में दिख रहा होगा। तो सबसे पहले देखो यार, जो स्कूटर्स को लॉन्ग टाइम मेंटेनेंस नहीं किया जाता है उसमें इश्यूज़ क्या क्या आती है। तो देखो इसमें हम लोगों ने क्या देखा कि इसका ऑयल सूखा हुआ था, ठीक है, लेकिन इसमें पता नहीं चल रहा है। गाड़ी ओवरहीट करेगा, जरा सा उसको बंद करके निकालिएगा, गाड़ी आपका ओवरहीट करेगा, आपको स्मेल आएगा लेकिन पता नहीं चलेगा कि ऑयल सूखा हुआ। अगर आप इसको टाइम टू टाइम हर 1000 किलोमीटर पे चेक नहीं कीजिएगा तो देख लो यार, एकदम लेवल नहीं है यार, ऐसा हाल है कुछ इसका। क्योंकि हम लोग 100 ml इसमें डाले हुए भी हैं ऑयल, बताओ यार 100 से 200 ml डाले हुए, कहाँ ऑयल घुस गया कुछ नहीं पता। और इतना काला ऑयल निकला था, मतलब अभी तो हमने इसको साफ कर दिया और पेट्रोल महक रहा था ना, महक रहा था। तो मतलब समझो कि इंजन इसका बहुत ही गंदा है। तो इस इंजन को साफ करने के लिए हम लाए दोस्तों वुर्थ का इंजन फ्लश, जो कि हमें करीबन 450 रुपये में मिला, 250 ml, काफ़ी बढ़िया इंजन फ्लश है यार। अगर अमेजोन पे लिंक हुआ तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मैं दे दूंगा। और इससे करेंगे हम भैया इंजन फ्लश, एक वीडियो और बना हुआ है होंडा डियो का इंजन फ्लश कैसे करना, ऊपर आई बटन में। और अभी हम आपको फ़र्क दिखाएंगे, बहुत किस्मत से ऐसी गाड़ियाँ मिलती है जिसमें हम आपको फ़र्क दिखा सकते हैं, एक गंदे इंजन से साफ इंजन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं गाड़ी को। और उसके बाद यार देखो, सेकेंडरी एयर फिल्टर मैं खोल के रखा हुआ है, दिखाइएगा निकाल के देख लो यार, सेकेंडरी एयर फिल्टर का क्या हाल है। देखो यार दोनों साइड आप देख सकते हो, बहुत ही गंदा बुरा हाल है इसका, पूरा ऑयली हो चुका है। और खैर कि इसका नीचे वाला चेंबर साफ है। और अपने तरफ से मैं आपको एक रिकमेंड करना चाहूंगा, आप ये सब कुछ भी मत कीजिए, बस आप हर 2000-2500 किलोमीटर पे सिर्फ ऑयल चेंज कर देंगे ना, तो आपको 90% आपका प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व हो जाएगा। और ये वाला जो चीज है दोस्तों, ये 10000 किलोमीटर में एक बार आप, यार मैं सजेस्ट हमेशा करता हूँ, करने का जरूरत नहीं पड़ता डीजल से आसानी, वो भी आप पेट्रोल या डीजल से आराम से क्लीन कर सकते हैं। आपको दिखाते हैं अब हम लोग प्राइमरी एयर फिल्टर का क्या हाल है। तो अब आप लोगों को दिखाते हैं कि साल भर से मेंटेनेंस नहीं हुआ है ये गाड़ी का, बस चलाया गया किसी तरह। तो देखो यार प्राइमरी जो एयर फिल्टर है ना इसका, उसका क्या हाल है। तो दोस्तों आप देख सकते हो क्या हाल है यार सारा, जरा एक बार और उड़ा के दिखाइएगा क्या हाल है। आप लोग समझते नहीं हो, मतलब काफ़ी लोग समझते नहीं है। देखो इतना गंदा आपके गाड़ी को बीमार बनाने के लिए काफ़ी है, बहुत काफ़ी है यार। हाल देखो कितना बुरा हाल हो गया, जितना ठोकोगे उतना है। अरे भाई साहब, ये देख भाई। इसीलिए कहा जाता है अपने फेफड़ों को, सॉरी, अपने गाड़ी के फेफड़ों को हमेशा साफ कीजिए, टाइम टू टाइम रिप्लेस कीजिए, तब बढ़िया रहता है। देखो यार पूरा कैमरा गंदा हो गया। तो इसे हम चेंज करेंगे, लेकिन चेंज कब करना है, चेंबर साफ करने के बाद। अगर आप चेंबर को अच्छी तरीके से साफ नहीं करते ना, तो क्या होगा कि वो उसी कंडीशन में हो जाएगा। तो सबसे पहले तो चेंबर को बहुत ही अच्छे तरीके से हम कुछ डीजल एडिटिव वगैरह से साफ करेंगे। सबसे पहले तो दोस्तों हम लोग करेंगे इस गाड़ी का इंजन फ्लश। इंजन फ्लश क्या होता है, कब करना चाहिए, ज़रूरी है या ज़बरदस्ती है, सारा कुछ ऊपर आई बटन में ट्यूटोरियल्स बनाया हुआ है, लेकिन फिर भी हम आपको समझा देते हैं। यार देखो इंजन फ्लश तब करना चाहिए, जैसे कि हम लोगों ने वाइट एक्टिवा का जो सर्विस किया था
उसमें कितना गंदा निकला था, काफी जरूरी था। वैसा टाइम में इंजन फ्लश करना चाहिए जब ऑयल के साथ में काफी ज्यादा कालापन, जिसे हम स्लश बोलते हैं, वो निकले, तब इंजन फ्लश करना चाहिए। तब नहीं जब आपका ऑयल एकदम सिंपल नॉर्मल तरीके से हल्का ब्राउनिश होके निकल रहा, तब नहीं, क्योंकि ये नुकसान भी कर सकता है गाड़ी को, लेकिन फायदा करता है अगर गाड़ी ज़्यादा गंदा रहता है इंजन। और नुकसान में क्या क्या कर सकता है, आपके स्कूटर के इंजन में या बाइक के इंजन में ओरिंग्स होते हैं जो कि वो हमेशा लुब्रिकेट रहता है, अगर आप उसमें ये डिटर्जेंट को डाल देंगे तो आपका वो डैमेज हो जाएगा ओरिंग्स। समझ लो यार, एक टाइप से ये इंजन का शैम्पू है। तो ये 250 ml का बॉटल है यार, लेकिन इंजन फ्लश सजेस्ट किया जाता है कि आप 50 ml पर लीटर पे डालें। तो इसमें 800 ml ऑयल लगता है, तो हम करीबन 50 ml डालेंगे। और मैं बता दूँ, ऑयल ड्रेन, पुराना ऑयल को ड्रेन करने से पहले आप करीबन 100-200 ml ऑयल को ड्रेन बोल्ट से निकाल लें, क्योंकि इसमें ऑयल नहीं है तो हम लोग इसको डायरेक्ट डालेंगे। लेकिन आप ऐसा गलती मत कीजिएगा, क्योंकि यार ये गाड़ी बहुत ही ज़्यादा गंदा है। करीबन 500-600 ml ऑयल रहना चाहिए गाड़ी में, 100-200 ml आप ड्रेन करके निकाल सकते हैं। उसके बाद गाड़ी को पहले वार्म अप करना है, और उसके बाद इसको जो है डाल के 10 से 15 मिनट तक दोस्तों आइडल पे छोड़ना है गाड़ी को, एक्सेलरेट नहीं करना है, तब जाके पूरी तरीके से इंजन फ्लश का प्रोसेस होता है। तो चलिए किया जाए। ये देख लो यार, सील पैक डब्बा है, इसे 50 ml नापना है और 50 ml हमें डाल देना है। 50 ml हम लोग नापने के लिए ये सेवलॉन का डब्बा को यूज, ये देख लो यार, ये 100 ml का डब्बा। आप लोगों को प्रॉब्लम होता है ना कि नापे कैसे भैया, तो ऐसा कुछ देखो यार, कप सिरप वगैरह का डब्बा रहता है, तो 100 ml का रहता है, तो इसमें आधा भर दो, वो आपका हो जाएगा 50 ml। तो चलो फटाफट करते हैं यार, शाम हो जाएगी और आप लोगों को दिखाना भी तो है फर्क कितना निकलता है। लग रहा है स्मेल पेट्रोल के जैसा, पेट्रोल लग रहा है। तो देखो यार, ये ब्रांड हम लोग पहली बार यूज़ कर रहे हैं, ये जर्मन ब्रांड है, तो ट्रस्ट करके यूज़ कर रहे हैं, काफ़ी बढ़िया ब्रांड है। वैसे तो लिक्विड मॉली वगैरह काफ़ी ज़्यादा चलता है, लेकिन आप तो जानते हैं भैया, हमारा जैसे पेट्रोल उड़ता है ना, वैसे ये भी हल्का हल्का उड़ रहा है ना। हाँ, तो हमारा एक्सपेरिमेंट करना काम है। इंजन में ये डिटर्जेंट के जैसा फैलेगा, साफ़ करेगा, और जितना निकलेगा निकलेगा और बाकी उड़ा देगा। तो देखो यार कैसे अभी डालते हैं इसे। तो इंजन फ्लश डाला जा रहा है, आप देख सकते हैं, कुछ आराम से आपको 50 ml इसमें डाल देना है, और हम लोग जुगाड़ के साथ काम कर रहे हैं। सारा काम जुगाड़ के साथ ही हो रहा है भाई, देखो कैसे हो रहा है। दोस्तों इंजन फ्लश इसमें हम डाल चुके हैं, अब क्या करेंगे, गाड़ी को स्टार्ट करके तो दोस्तों इंजन फ्लश डालने के बाद गाड़ी को कर दिया हूँ स्टार्ट, और 10 मिनट तक आइडल में रहेगा। आइडल में रहने के टाइम में आपका गाड़ी का जो साउंड वगैरह है वो चेंज होगा, हो सकता है वाइब्रेशंस बढ़ जाए या फिर कम हो जाए, तो उसमें टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली होता क्या है, जो ऑयल पंप चलता है ना, तो इंजन फ्लश को एक एक सुराख में भेजता है, और वहाँ से जितना भी स्लज और स्लश रहता है वो सारे चीज़ों को क्लीन करता है। तो उस प्रोसेस में थोड़ा सा इसका भी ट्विनिंग वगैरह चेंज हो सकता है, और हो रहा है। तो 10 मिनट तक इसको इंजन फ्लश करते, उसके बाद इसका ड्रेन बोल्ट खोल के दिखाते कि कितना ज़्यादा गंदा गिरता है इसे। और देखो भाई डीजल कैसे गंदा छोड़ती है, देखो कैसे निकल रहा है, देखो दिख रहा है, देखो 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 काला काला। और डीजल से बहुत ही अच्छे तरीके से साफ होता है, हम सजेस्ट करेंगे कि आप पेट्रोल से कीजिएगा, क्योंकि इसे सुखाना भी पड़ेगा भाई, डीजल अगर गाड़ी में चल गया तो समझ रहे हो दिक्कत हो जाएगा। तो ऐसे कुछ इसे साफ करना है, हर वीडियो में मैं बताया हूँ, लेकिन कोई लोगों से छूट जाता है समझिए, तो उनके लिए बता दे रहा हूँ। तो दोस्तों 10 मिनट हो चुका है, और अब हमने कर दिया है गाड़ी को बंद, अब ड्रेन बोल्ट खोलेंगे, और ड्रेन बोल्ट खोलने के बाद क्या रिजल्ट आता है वो आप लोगों को दिखाते हैं। दोस्तों देख सकते हो ड्रेन बोल्ट हम लोग खोल रहे हैं, और ड्रेन बोल्ट खोलने के बाद कैसा निकलता है ऑयल देखना यार, एकदम पतला हो जाएगा, ठीक है। इंजन फ्लश करने के बाद क्या होता है ना कि आपका ऑयल जो गाढ़ा टाइप का निकलता है, एकदम गंदा टाइप का, देखो एकदम पतला सा ऑयल निकलेगा, और ज़्यादा ऑयल तो था नहीं इसमें, और देखो कितना गंदा निकल रहा है, दिखाइएगा सर। मैं महसूस हो रहा है कि इसका महसूस हो रहा है ना, जो एल्युमिनियम है वो निकला हुआ है। अभी इसका ऑयल फिल्टर भी हम लोग क्लीन कर देंगे, ठीक है। तो ऑयल फिल्टर कैसे क्लीन करते हैं, वो स्कूटर सर्विस वाला वीडियो ऊपर जो आई बटन में, उसमें आप लोग देख सकते हैं, और देख सकते हो इसमें गिर रहा है यार, कितना गंदा है, कितना गंदा है। 50 ml तो इसमें से हम लोग का यही है, मतलब इंजन फ्लश है। हाँ, आपको कंडीशन दिखाते हैं ऑयल का कैसा है, इसको पूरा गिरा लेना है, गाड़ी को आगे पीछे ब्रेक लेके पूरा झटका देके, इधर झुका के उधर झुका के, जितना ऑयल होगा सारा कुछ गिर जाएगा। मैं सजेस्ट करूँगा कि 10 से 15 मिनट ऐसे छोड़, ताकि पूरा ऑयल गिर जाए। तो देखो दोस्तों कंडीशन क्या है, ठीक है। इंजन ऑयल फ्लश डालने के बाद इसको पेपर में डालिएगा,
देखो कैसा काला है ये, आप देख सकते हो। और डालिएगा थोड़ा मग से ही डालिएगा, आप देख सकते हो यार इसका कंडीशन देखो कितना काला है ये, और एकदम पतला हो गया ना, चिकना टाइप का हो गया, देख सकते हो एकदम ये पानी जैसा हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पानी जैसा हो गया, तो इसे हम गिरने देते हैं, तब तक इसका एयर फिल्टर का कंपार्टमेंट क्लीन करके नया एयर फिल्टर डाल देते हैं। और इसको आज हम पिलाने वाले हैं, दिखाइए ज़रा भैया, जो हम हमेशा पिलाते हर गाड़ियों को, मेरा फेवरेट और आपका भी फेवरेट और काफ़ी लोगों का फेवरेट मोटुल का स्कूटर एली 10W30। नॉर्मल राइड कंडीशंस में मैं हमेशा यही वाला ऑयल सजेस्ट करता हूँ। तो दोस्तों प्राइमरी एयर फिल्टर लग चुका है, ये देखो यार सेकेंडरी एयर फिल्टर कितना क्लीन हो गया, ठीक है। तो इसको भी अभी हम लोग लगा देते हैं। इसको लगाने के लिए सिंपल सा है यार, इसका चार लॉक आता है चारों साइड से, आप एडजस्ट करके इसे लगा ले आराम से। आप देख सकते हो जितने भी एक्टिवा हमने खोले हैं शुक्ला जी, उसमें ये वाला प्रॉब्लम आता है, देखो हल्का लीकेज का। तो इससे घबराने का नहीं है, ये एक्चुअली पैकिंग लीकेज नहीं है, ऊपर से आप देख सकते हो यहाँ से लीकेज वगैरह है। तो ये सब नॉर्मल होते रहता है यार, अगर ज़्यादा ऑयल लेगा तब आपको चेक करवाने की जरूरत है। और स्पार्क प्लग देख सकते हो कोई लोकल कंपनी का लगा हुआ है, क्या नाम है कंपनी, NRI यार सुना भी नहीं है। और स्पार्क प्लग का हाल दिखाते, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यार क्या कंडीशन है, स्पार्क प्लग का पूरा ही बेकार हो गया है, आप देख लो यार। तो वो स्पार्क प्लग फटाफट बदल देते हैं, आप देख सकते हैं नई नवेली स्पार्क प्लग हम लेके आए भैया, ये है बॉश का। और इसका ये दिखाइए डब्बा, दिखाइए कोई इशू नहीं दिखना चाहिए। और देख लो यार ये है शुक्ला जी का पसंद, और हमारा जो पसंद है वो कौन सा है, एनजीके। तो आप हमारे पसंद पे जाइएगा, है ना। वो काफ़ी ज़्यादा रात हो गया है यार, और यहाँ पे हम पिला रहे इसे खून जो कि है मोतुल के तरफ से। ओ भाई साहब फाइनल स्टेज हम कंप्लीट कर रहे हैं गियर ऑयल डाल के, मज़ा आ रहा है शुक्ला जी। तो बहुत ही ध्यान से डालना पड़ता है गियर ऑयल 120-130 ml, और ये जब फुल हो जाएगा ना तो ये बाहर से फेंकने लगेगा, मतलब समझ जाना है आपको कि ये फुल हो गया। तो दोस्तों लिया जा रहा है टेस्ट ड्राइव, डायग्नोस कर रहे हैं शुक्ला जी, और एक चीज़ तो शुक्ला जी पता चला है कि गाड़ी में बहुत बढ़िया जो ये है मक्खन मलाई जो चाले वो हो गया क्या। हाँ सही बात है, मतलब मज़ा आ रहा है यार चलाने में, पिकअप भी बढ़ गया है थोड़ा सा। कैसा है चाल, बहुत बढ़िया मक्खन है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का जो वीडियो है आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा, आप लोगों को पसंद आया होगा। तो दोस्तों एक लाइक ज़रूर से करना यार, काफ़ी मेहनत लगी, रात हो गई थी। तो दोस्तों मिलेंगे आपको आने वाले कुछ और कमाल वाले वीडियोस में, टिल देन जय हिंद जय भारत। कोई सवाल हो या फिर सजेशन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से कमेंट कर दीजिएगा, या फिर मेरे से कनेक्ट होना चाहते हैं तो यहाँ पर मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आ रहा होगा, आइए कनेक्ट हो जाइए, करते हैं बातें शाते।